मध्य प्रदेश के धार जिले की पीतमपुर में महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव कविता प्रदीप द्विवेदी ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि 10 दिनों के बाद भी पुलिस को अभी तक ठगी करने वाले दोनों आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। जबकि मैंने पीतमपुर थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह चढ़ार, सहायक उप निरीक्षक यशवंत योगी, सहायक उप निरीक्षक राधेश्याम चौहान ने आकर सीसीटीवी फुटेज भी देखे थे, मगर 10 दिनों के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। पीतमपुर पत्रकार संघ की टीम ने सहयोग से आसपास से सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए तो जानकारी सामने आई जिसमें दोनों ठग बाइक से मेरी शॉप पर थाने की ओर से आए थे। इसकी जानकारी मैंने पीतमपुर थाने पर दी थी। घटना की सीडी भी पुलिस थाने पर दी गई। पीतमपुर पुलिस के अनुसार पुलिस के लगाए सीसीटीवी कैमरे में दोनों ठग कहीं नजर नहीं आ रहे। द्विवेदी ने बताया, मैंने अपनी जानकारी पीतमपुर पुलिस अधीक्षक अजय जैन, धार जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह को फोन पर दी। इस घटना की जानकारी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन को भी मोबाइल पर दी गई थी। मंत्री महोदय ने सभी जानकारी ईमेल पर भेजने कहा। तत्काल ही उन्होंने कहा कि मैं तुरंत अधिकारियों को निर्देशित करूंगा। पीतमपुर से संजय सोनकर की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता लेने का मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जो मेरे साथ 10 दिन पहले जो घटना घटी है, मैंने जिसकी खबर थाने पे दी है, उसके बाद आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस वाले कुछ ऐसा संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया है कि क्या वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने आज आप लोगों को क्या घटना क्या हुई थी आपके साथ 10 दिन पहले मेरे साथ। मैंने सभी पत्रकारों को और पुलिस में भी रिपोर्ट डाली है। 10 दिन पहले मेरे साथ मेरी दुकान पे दो अन्य व्यक्ति आए हुए थे। उन्होंने सामान लेने के बहाने से मेरे साथ ऐसा कुछ किया, हिप्नोटाइज सम्मोहन क्रिया कुछ किया है उन्होंने। जो मेरे हाथ में 2 कड़े और 3 अंगूठियां और मेरे गले में रखे 13,000 रुपये लेके चले गए। इसकी खबर मैंने तुरंत आवेदन के रूप में मैंने थाने पे दिया है जाके। दूसरे दिन उन्होंने रिपोर्ट भी डाल ली है, लेकिन कार्रवाई नहीं करने की वजह से अभी तक आरोपी पकड़ में के आरोपियों की खबर ही नहीं है कि वो किधर गए हैं। मैं पुलिस को उसी दिन से मैं पुलिस से कह रही हूँ, थाने में मैंने कहा, हमारे मतलब शॉप पे TI साहब चंद्रभान सिंह चराड़ जी आए थे अपनी टीम को लेकर, उन्होंने TV के पूरे फुटेज देखे हैं और मैं उनसे लगातार कह रही हूँ कि मेरे पड़ोस के कैमरे को आप चेक करें, शायद वो उनकी मोटरसाइकिल एक कैमरे में आ रही है। तो मैं कह रही हूँ उनसे कि आप मेरे पड़ोस का कैमरा चेक करें, शायद उनके मोटरसाइकिल का नंबर आ जाए और वो पकड़ने में या उनको ढूंढने में सहूलियत हो। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेरे पड़ोस का कैमरा तक अभी तक उन्होंने चेक नहीं किया है। आपकी प्रदेश सरकार में आपकी सरकार है, इसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार पर आपके खड़े कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। सरकार का रवैया क्या है, मैं अभी ऐसा कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। मैंने अभी ईमेल के द्वारा गृह मंत्री को भेजा है। गृह मंत्री ने मुझे कहा है कि मैं इसमें कार्रवाई करवाता हूँ, अगर नहीं होती है तो मैं जाके उनसे मिलती हूँ और मिलने के बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगी। आपका नाम? कविता प्रदीप द्विवेदी, सचिव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।